Welcome to another video. Welcome to another video. Welcome to another video. और आज हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और वहाँ हम आपको कुदरत के नज़ारे दिखाएंगे. अंकल लड़कियाँ देखने जा रहे हैं. और हम अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं और ये हमारी कॉलोनी की मस्जिद है और हम आपको बाहर जाके बताएंगे. हम आपको कुदरत के नज़ारे दिखाएंगे. यहाँ फैसलाबाद में कुदरत के नज़ारे कहाँ. कुदरत के नज़ारे तो इस्लामाबाद में हैं, जहाँ हरे भरे दरख्त, पहाड़, नाला लई. अच्छा तो हम निकल चुके हैं बाहर अपने कॉलोनी के गेट से. अब आपको नज़ारे दिखाते हैं इस्लामाबाद के. दरअसल हमने अब्दुल रऊफ का वाउचर लेना है यूनिवर्सिटी से. वाउचर लेके हमने वापस आना है. वाउचर देखते हैं अब मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि आज लास्ट डेट है. और हम वहाँ आपको यूनिवर्सिटी में नज़ारे दिखाएंगे. आहा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच चुके हैं और यहाँ आते हुए आपने एक ख्याल रखना है कि इनसे बच के रहना है आपने. ठीक है, अब हम रवाना हो गए. अब हमें गार्ड से बचना पड़ेगा. जो है वो बाइक जो है वो पार्किंग पे लगाने गया है और उतनी देर तक जो पार्किंग में लगाता है उतनी देर तक आपसे बात करते हैं. और जब वो पार्किंग से लगा लेगा फिर हम अब्दुल रऊफ का जो है वाउचर वो लेंगे, फिर हम वाउचर लेके घर जाएंगे. हम भाई खड़े हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट सोइल एंड एनवायरनमेंट साइंसेज. आपको ये ऐसे नज़र नहीं आएगा, सीधा दिखाता हूँ. पौधे लगाएं और माहौल को साफ सुथरा रखें. मुझे मालूम नहीं ये क्या चीज़ है, अगर आपको मालूम है तो मुझे बताया ज़रा कमेंट के अंदर. वाउचर तो हम ले लेंगे लेकिन उससे पहले अब्दुल रऊफ से बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. अगर नेचर की तरफ बात करें तो माशाल्लाह से एग्रीकल्चर का इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छा है. इसमें दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी मतलब के माइंड फ्रेश हो जाता है जरा के. और अगर हम फील्ड की बात करें, प्रोग्राम्स की बात करें, तो अगर आपने एग्रीकल्चर के फील्ड में आना ना तो इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें. और अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं या किसी और डिपार्टमेंट का हिस्सा लेने मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ना इधर ना एडमिशन लें, क्योंकि अगर लेना है तो अपने सर पर ही है. इधर ना सिखाते हैं कुछ, ना स्किल्स देते हैं कुछ, जो सीखना है आपने कुछ सीखना है. अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में आना या फूड्स टेक्नोलॉजी के फील्ड में आना है, FT का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है इधर का और वो काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं और प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं इधर. अगर मैं खुद IT कर रहा हूँ तो मैं IT कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे हमें कुछ सिखा नहीं रहे, मतलब कि कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि लैंग्वेजेस किस तरह सिखाते हैं या प्रोग्राम्स वगैरह, कुछ भी नहीं हमें सिखा रहे हैं. हमें सिर्फ इंग्लिश इस्लामी वगैरह पढ़ा रहे हैं और जो मेजर सब्जेक्ट भी है वो भी ऐसे है कि हम जो प्रैक्टिकल है हम वो लिख के दे रहे हैं. हालांकि कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लिख के कुछ कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता लिख के. जो मर्जी सब्जेक्ट हो उसमें प्रैक्टिकल लिख के होता नहीं है, लेकिन हम इधर हैं हम पेपर भी लिख के दे रहे हैं.
और बस तो इनका ये कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्किल पर तवज्जो दें। अगर आपने कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लें जहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर स्किल्स वो सिखाने को मिलते हैं। यानी कि ये नहीं कि रट्टा मारो और लिखो, ये चीज़ें नहीं। तो अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड साइंसेज के अंदर आपने एडमिशन लेना है तो आप उसमें ज़रूर एडमिशन लें। यार इतनी लंबी लाइन, वो भी वाउचर के लिए। यार यहाँ पे देखो, पौधा नजर ही नहीं आ रहा। ओए एक दरख्त नजर आया, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना पौधा ना दरख्त, क्या है यार ये? आहा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देखे यहाँ पौधे दरख्त, जबरदस्त किस्म का माहौल है। ओ माय गॉड, यूनिवर्सिटी के बाहर भी इतने पौधे, ओहो, जिससे तो माहौल बहुत अच्छा लगता है भाई, ब्यूटीफुल लगता है ये तो। जैसा कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि पौधे लगे हुए थे, दरख्त थे, तो जिसकी वजह से माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन मिलती है हमें, तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और आपको जो मशवरा दिया अब्दुल रऊफ ने कि फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए, आईटी का कोई हाल नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किल सीख। मेरा इस चैनल को बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे खरीद सकें, और पौधे यूं ही आएंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप भी मदद के अंदर शामिल हों, ताकि पाकिस्तान को अर्बन जंगल बना सकें और पाकिस्तान को खूबसूरत बना सकें। तो आपकी इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे, आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप लगाएं। Yeah.